প্রকৃতির ধ্বংসলীলা আমফান ঝড়ের তাণ্ডবে একেবারে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে গোটা রাজ্য, ক্ষতিগ্রস্ত বহু এলাকা, ভেঙে উপড়ে গেছে অধিকাংশ গাছ। তাই এই ধরনের একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সবুজায়ন ফিরিয়ে আনতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ক্যালকাটার লেদার কমপ্লেক্স ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের কমপ্লেক্স এলাকায় বৃক্ষরোপণ করলেন কমিটির সদস্যরা। আমফানের প্রভাবে বহু গাছ পড়ে গেছে, সেই গাছগুলোকে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করেই সবুজায়নকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলেন CLCTA। CLCTA এর মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সেই সবুজায়নকে ফিরিয়ে আনা, এমনটাই জানাচ্ছেন জয়েন্ট সেক্রেটারি জিয়াহুল নাফিস। পাশাপাশি এরকম একটি মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি হয়েছেন অনেকেই, কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারেননি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি ইমরান আহমেদ খান। তাই দুঃখ প্রকাশ করেছেন CLCTA এর জেনারেল ম্যানেজার বিনয় সিং। যেভাবে আমফান তাণ্ডবে একের পর এক গাছ উপড়ে গেছে, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে CLCTA এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন অনেকেই, কারণ আমরা তো সকলেই জানি একটি গাছ একটি প্রাণ। তাই আগামীতে প্রাণ বাঁচাতে হলে আজ গাছকে বাঁচাতেই হবে। देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जैसे आपको मालूम है कि हमारा कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स का मोटो ये भी केयर फॉर द एनवायरनमेंट। इसको 5 जून के दिन हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि हम 5 करोड़ ट्री सुंदरबन में प्लांट कर रहे हैं प्लांटेशन करने का। तो हम लोग को ऐसा एसोसिएशन हमारी भी बहुत बहुत डैमेजेस हमारे लेदर कॉम्प्लेक्स में भी हुआ, हमारे CETP में भी हुआ। तो इस एनवायरनमेंट डे के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको इस बार हम लोग भी मास प्री प्लांटेशन का प्लान करेंगे, और हम लोग ऑलरेडी एनवायरनमेंट डे से इसका शुरुआत कर दिया हम लोगों ने। आज लेदर कॉम्प्लेक्स का हमारा जिम्मेदारी है कि जितना भी पेड़ हम लोगों ने बहुत बहुत मेजर प्लांटेशन का काम हम लोग आज से 2 साल पहले किए थे यहाँ पे, उसमें भी काफ़ी ट्रीज डैमेज हुआ है, तो वो सब ट्रीज को वापस उस जगह पे नया प्लांट करना या उसको रीप्लांट करना, इसका प्रोसेस हम लोग इस एनवायरनमेंट डे में हम लोगों ने प्लेज किया है कि इस ट्रीज को हम लोग वापस लगाएंगे, या जहाँ नहीं लगा पाएंगे वहाँ नया शर्ब्स और हर्ब्स लाके हम लोग यहाँ लगाएंगे। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वी आर मिसिंग अवर जनरल सेक्रेटरी मिस्टर इमरान अहमद खान, ही इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्योंकि ये आज जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ एसोसिएशन में, जब भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है वो पहले यहाँ आते हैं, मिस्टर इमरान अहमद खान खुद आते हैं, खुद वो प्लांट करते हैं। 2018-19 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 75,000 सैपलिंग्स लगे थे, वो अम्फान साइक्लोन जो अभी आया 20 मई को, और जो 27 मई को सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव साइक्लोन आया, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। सारे जो ट्रीज और प्लांट्स हम लोग किए थे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसका अभी एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। अभी तो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कहाँ से हम लोग इसको अभी कलेक्ट कर सके, अभी कलेक्ट का काम चल रहा है।